सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट हेल्प। सो गाइज, अभी जस्ट मेरा एग्ज़ाम हुआ है जो कि इन्फॉर्मेशन मैनेजर कुछ अजीब सा ही नाम है इस एग्ज़ाम का बाय द वे। जस्ट अभी मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने इसे आज 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। और आज कैसा प्रोटेक्टर का सीन रहा वो सब कुछ मैं आज वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। चलिए वीडियो बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट यस इट इज़ क्वाइट गुड। मैं पहली चीज़ बता दूँ कि इसके MCQs लिटिल बिट डिफिकल्ट लगे मुझे, मेरे से हो नहीं पा रहे थे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मैंने कर दिया ऐसे तैसे। ठीक है, वही था, पहले 10 क्वेश्चन, फिर 15 15, यानी कि टोटल 35 क्वेश्चन MCQ के थे। अगर आप MCQ एकदम एग्जैक्ट करेक्ट कर लेते हो, जो कि इतना ईजी नहीं है, अगर करेक्ट कर लेते हो तो 35 मार्क्स आ जाएंगे और ईजिली पास हो सकते हो, चाहे असाइनमेंट बनाए हो ना बनाए हो। आई थिंक सो 35% में ही 100 out of 35 आ जाए तो पास हो सकते हैं ना। सो जस्ट किडिंग। तो उसके बाद करते हैं गाइस क्वेश्चंस के बारे में बात। तो 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, जो मुझे अटेम्प्ट करे मुझे याद है। पहले तो गाइस क्लाउडिंग के बारे में आया था, क्लाउडिंग के बारे में लिखो, ब्रीफ करो क्लाउडिंग क्या होती है। ठीक है, क्लाउडिंग के बारे में लिखा, सास SAAS, ये भी मतलब नई नई चीज़ें पता चली थी मुझे, ये क्लाउडिंग के पार्ट्स है। तो और उसके बाद क्वेश्चन आया था मेरा एक कि फायरवॉल जी आगे, फायरवॉल के बारे में लिटरली जितना भी जानते हो सब भी लिख लो। एक मतलब टोटल सच बताऊँ मैं, डेफिनेशन टाइप की है तो 10 मार्क्स की डेफिनेशन है। अब आपको कैसे लिखना है वो की वर्ड्स वट एवर यू वॉन्ट टू मैंशन इन द दैट आंसर, इट्स टूडे डिपेंड्स ऑन यू। सो फायरवॉल क्या होता है इसके बारे में लिखो। 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। थर्ड वन कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि कंप्लाइंस पॉलिसीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में लिखो। तो मैं तो भाई इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, एज यू कैन नो दैट आई एम वर्किंग इन MNC विच नेम इज़ Genpact, और मेरी बहुत सारी वीडियो है आप देख सकते हो मेरे चैनल में। तो मेरे को तो भाई नॉलेज है इसकी अच्छी खासी, मैंने इसके बारे में अच्छे से लिख दिया। और इनफैक्ट अगर यू आर वर्किंग इन Genpact तो उसमें एक होता है कंप्लाइंस का ट्रेनिंग होता है सबसे स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से मैं आंसर बहुत ईजिली कर पाया। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको शेयर कर दिए, कंप्लाइंस वाला पार्ट, फायरवॉल और क्लाउडिंग। ठीक है, ये 3 थे, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी, मतलब मैंने बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करता हूँ प्रोटेक्टर की। तो कैसा आज प्रोटेक्टर के साथ मेरा सीन बैठा? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोटेक्टर ना यार मेरे हिसाब से हमेशा आपसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्या आप रफ शीट यूज़ कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपसे प्रोटेक्टर ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा हो, ये पहला क्वेश्चन आपसे प्रोटेक्टर डेफिनेटली पूछने वाला है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हो तो भी गाइस आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाउड बोल रहे हो या फिर आंसर बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हो तो आपको प्रोटेक्टर वार्निंग देगा। सेकंड चीज़, एक मैं कमाल की चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिस्टम भाई बीच में इंटरनेट चला गया, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, ये भी गाइस अब दिक्कत वाली बात है। मेरे को मेल आया था NMIMS से बाय द वे कि बीच में ऐसे बहुत सारे सीन हो रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब बार बार सिस्टम में कुछ नेटवर्क इशू आ जा रहा है, कुछ भी एरर आ जा रहा है, लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं ऐसा ताकि चीटिंग कर पाए, तो ये सब गलत है, वो तुम्हारा पेपर कैंसिल कर देंगे और तुम्हें फिर से फीस भरनी पड़ेगी फिर इस पर एग्ज़ाम की। तो यार देख लो ढंग से, इंटरनेट कनेक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए, लाइट ना जाए, ये सब कुछ जुगाड़ करके बैठ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो ये सब देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही था। और गाइस दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, 1.1 हो जाएंगे थोड़ी देर में, शायद 1.91 सब्सक्राइब, 1.091 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी 1.100 हो जाएंगे, मतलब 1100 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी होने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि आज की वीडियो में हम 30+ लाइक का एम रख रहे हैं। होप आप ये वीडियो में डेफिनेटली 30+ लाइक कर दोगे, और कैसे टाइप की वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।